हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज की इस रीडिंग को आप किसी ऐसे पर्सन को लेकर देखें जिनके साथ आपका लव रिलेशनशिप अच्छा रहा है बट आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप एक्सपेक्ट भी करते हैं कि कर्मों का रिवर्ट भी मिले, कर्मों का फल मिले जिसने गलत किया है उसे, और साथ साथ यू थिंक कि थिंग्स कुड हैव बीन बेटर। तो दिस इज़ लाइक टोटली कन्फ्यूज्ड जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ये रीडिंग है कि पर्टिकुलर पर्सन के साथ रिलेशनशिप को लेकर क्या इस रिलेशनशिप में कर्मों का फल छुपा हुआ है या फिर कुछ ऐसा यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी है जिसके चलते समथिंग गुड इज गोना हैपन। नाउ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पर्सन, उन्हें कॉन्सेंट्रेट करें, विजुअलाइज करें अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को। लेट्स सी विद दिस रीडिंग कि क्या ये रिलेशनशिप एंडेड हो चुका है और इसमें क्या कर्मों का फल अभी बाकी है या फिर कुछ ऐसा चल रहा है जो कि आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आने वाला है। इस रिलेशनशिप में जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा अब तक तो कुछ हुआ नहीं है। दिस लुक्स लाइक बस वेटिंग एनर्जीज में ही हैं और अभी भी आप स्टबन हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। बट देखिए, रिलेशनशिप आपका अच्छा है, टू ऑफ कप्स है यहाँ पर, डिवाइनली ब्लेस्ड है, बट कहीं ना कहीं इसमें जो आपको एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल नहीं हो पाई हैं। साथ साथ आपके जो पार्टनर हैं, ही और शी जो भी हैं, दैट पर्सन इज़ ऑल्सो इन हैवी एनर्जीज। लाइक इस रिलेशनशिप में जो इम्पोर्टेंस है प्यार की उसे जानते हैं। देखिए, कर्मों का रिवर्ट तो ऑलरेडी चल रहा है। इफ़ योर पार्टनर इज़ इन थर्ड पार्टी, अगर वो थर्ड पार्टी में हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो एक कार्मिक रिलेशनशिप है, और साथ साथ आपके साथ आपके पर्सन के कुछ कर्माज पेंडिंग रहे हैं। यस, पास्ट लाइफ कर्माज कुछ पेंडिंग रहे हैं, उनके फुलफिलमेंट के लिए या उन्हें इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे। बट यहाँ अभी सेंटर में जस्टिस है, इट मींस हिसाब किताब अभी हुआ नहीं है, समथिंग इज रिमेनिंग, कुछ अभी बच रहा है। सो कुछ बच रहा है, इट मींस आपके लिए जो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए आपकी लाइफ में वो अभी बाकी है। आप करियर वाइज इस वक्त अच्छा कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी और फाइनेंसेस पर वर्क कर रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन या दिस रिलेशनशिप, आप पुल महसूस तो करते हैं बट कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि इम्प्रूवमेंट के चांसेस वेरी रेयर हैं, बहुत ही कम हैं। बट यू आर स्टिल हैविंग दैट विज़न, वो विज़न अभी तक आपके माइंड में तो है। तो कंसीडरिंग दिस, अभी कहा जा सकता है कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है जो कि अभी होना बाकी है। बट ये रिलेशनशिप आपको पुश करने के लिए ज़रूर आपकी लाइफ में था। इट मींस इसके बाद आपने अपनी लाइफ में अपने करियर, अपने फाइनेंसेस, अपनी पर्सनालिटी पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है, चाहे विलिंगली या अनविलिंगली। बट आपको इस रिलेशनशिप ने बेहतर तो बना दिया है,
लेट्स सी, जस्टिस सेंटर में है, इट मीन्स समथिंग इज स्टिल रिमेनिंग, कुछ अभी भी बाकी है. और देर इज़ वन मोर इंडिकेशन, आपके जो पास्ट लाइफ कर्मास थे इस पर्सन के साथ, दे हैव बीन बैलेंस्ड, वो बैलेंस्ड हो चुके हैं. अब जो आप वेट कर रहे हैं रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट का या कर्मास के रिवर्ट का, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन. इट लुक्स लाइक जो कर्मास हैं वो तो एंडेड हो चुके हैं, कर्मास एंड हो चुके हैं आपके इस पर्टिकुलर पर्सन से. और अब आपकी लाइफ में देर इज गोइंग टू बी सम न्यू बिगिनिंग, कुछ न्यू बिगिनिंग ही दिखाई दे रहा है. लेट्स सी डेथ कार्ड मीन्स व्हाट. डेथ कार्ड बता रहा है कि एवरीथिंग हैज एंडेड, सब कुछ एंड हो चुका है, नाउ देर इज सम न्यू सनराइज. तो देखते हैं डेथ कार्ड मीन्स व्हाट. क्वीन ऑफ वांड्स, दिस इज़ लाइक बस आपको अपनी लाइफ में अब अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव करते हुए एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करना चाहिए. और नई शुरुआत से मतलब यहाँ पर जजमेंट भी है. इट मीन्स आपको इस पर्सन को टोटली भुला करके अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है. लेट्स सी क्या कुछ बाकी है इस रिलेशनशिप में अभी भी. कॉर्नोकोपिया विद द सन विद विक्ट्री. देखिए इस रिलेशनशिप में कुछ भी बाकी नहीं है. इस रिलेशनशिप से जो भी आपको पुश मिलना था वो आपको मिल चुका है. अब आप अपनी लाइफ में जिस ट्रैक पर बढ़ रहे हैं, अपने करियर, फाइनेंसेस, पर्सनालिटी पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इस पर्सन के बारे में आपको थोड़ा विजन अब तक है. सो यहाँ द सन है, इट मीन्स एक रीस्टार्ट आपकी लाइफ में होने वाला है, एक नया सवेरा. लेट्स सी इन वर्ड्स क्या है ओवरऑल कंक्लूजन, किस तरह नया सवेरा होने वाला है आपके जीवन में. रिन्यूअल आया है यहां पर. रिव्यूइंग द पास्ट विद कंपैशन एंड फॉरगिवनेस. पास्ट में जो भी हुआ है आप उसे कंपैशन से देखें और उसे फॉरगिव करें, माफ भी करें. टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन, जो कि ऑलरेडी आप कर रहे हैं. क्लैरिटी ऑन योर लाइफ पर्पस, आप अपने जीवन में जो आपका पर्पस है उस पर क्लैरिटी लेकर आएं. यू नो व्हाट टू डू, आप जान चुके हैं ऑलरेडी कि आपको क्या करना है. इट मीन्स इस रिलेशनशिप ने आपको कंप्लीटली शटर किया था और इसके बाद ही आप समझ पाए हैं, काफ़ी हो सकता है आपने धक्के खाए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर. बट आफ्टर ऑल ये आया ही आपको लाइफ में आपके पर्पस को जानने के लिए था. लेट्स आस्क एंजल्स. मे बी आप दोनों सेम साइन के पर्सन हैं, एयर टू एयर, वाटर टू वाटर, फायर टू फायर. टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट आए हैं यहाँ पर, लिब्रा और स्कॉर्पियो साइन भी बहुत प्रोमिनेंट आया है. एंजल से पूछते हैं इज दिस रिलेशनशिप ओवर या फिर देर इज स्टिल समथिंग रिमेनिंग. इन द नियर फ्यूचर लिसन टू योर इंट्यूशन, रिमेन पॉजिटिव. देखिए लाइफ का जो पर्पस था वो आपको क्लियर हो चुका है और नियर फ्यूचर में अब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, जिसके चलते आपकी लाइफ से ये जो पेन है दिस विल गो अवे, ये दूर होगा.
तो एंजल्स भी इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ साइलेंट होने के लिए एडवाइस कर रहे हैं, और साथ साथ लाइक वेट एंड वॉच के लिए ही इंस्पायर कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहें, जिस भी ट्रैक पर आप हैं। दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।